बचपन की बात है। पापा एक बात कहते थे कि ये ज़िंदगी एक बॉक्सिंग मैच की तरह है, क्योंकि इस खेल में वो नहीं हारता जो गिर जाता है, बल्कि हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। तेईस जुलाई 2019 को मैं साउथ इंडिया के एक बहुत ही प्यारे से हिल स्टेशन ऊटी में था। ऊटी को उडाग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है और ये हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। पहले दिन मैं यहाँ की आसपास की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया और सबसे पहले यहाँ के ऊटी लेक गया। ये है ऊटी लेक और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। पैडल बोट है, मोटर बोट है और साथ ही साथ बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की फन एक्टिविटी है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे आप काफ़ी टाइम बिता सकते हैं, एक घंटे बिता सकते हैं यहाँ पे, और मेन सिटी में ही ये पड़ता है तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस लेक में मैंने खुद तो बोटिंग नहीं की, लेकिन लोगों को फैमिली फ्रेंड्स के साथ बोटिंग करते हुए देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ बच्चों के गेम्स एक्टिविटी के लिए भी बहुत कुछ था। ऊटी लेक के बाद मैं रोज गार्डन गया। रोज गार्डन को देखकर मैं हैरान था, क्योंकि यहाँ हर तरफ गुलाब के फूल थे जो इस गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ऊटी का गवर्नमेंट रोज गार्डन काफी बड़ा है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको रोज देखने को मिलेंगे और ये गार्डन भी आपको काफी अच्छा लगेगा और यहाँ से आपको व्यू भी बहुत अच्छे दिखेंगे। और साथ ही ये गार्डन काफ़ी बड़ा था और यहाँ से ऊटी का बहुत ही प्यारा व्यू भी दिख रहा था। साउथ में अगर आप आए हैं तो यहाँ का इडली सांभर डोसा ये तो पॉपुलर है ही, तो ये केले के पत्ते पे यहाँ पे आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं पूरा ये बहुत ही सस्ता है, 20 रुपीज़ में डोसा है और यहाँ पर अगर आप अपने नॉर्थ साइड में देखेंगे तो इतने में नहीं मिलेगा। ऊटी में टॉय ट्रेन भी चलती है और यहाँ का छोटा सा रेलवे स्टेशन और टॉय ट्रेन मुझे काफ़ी प्यारे लगे। ऊटी के टॉय ट्रेन का ये फर्स्ट क्लास कोच है, आप देख सकते हैं इसे। इसे आप कुन्नूर वगैरह तक जा सकते हैं अगर सस्ते में जाना चाहते हैं तो। जनरल टिकट का भी आप कर सकते हैं, जनरल सेकंड क्लास की बुकिंग कर सकते हैं, उसको भी आप मैं दिखा देता हूँ। यहाँ रेलवे स्टेशन पर छोटा सा रेलवे का म्यूजियम भी है। दिन ढल रहा था पर उसके पहले ही मुझे ऊटी की एक और प्यारी सी और पॉपुलर जगह बोटैनिकल गार्डन जाना था। बोटैनिकल गार्डन में चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बच्चों को खेलते हुए देखना काफी मजेदार था। मैं हूं ऊटी की मेन मार्केट में जो कि बोटैनिकल गार्डन के पास में है और यहां पे तिब्बतन मार्केट है, फ्रूट्स वगैरह मिलती है, ऑयल्स वगैरह है, चॉकलेट है, मतलब मेन मार्केट यहीं पे है। आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं।
अगले दिन सुबह सुबह मैं प्याकरा के लिए गया। प्याकरा के इस टूर में मुझे कई सारे मूवी के शूटिंग स्पॉट्स दिखने वाले थे। सबसे पहले मैं पाइन फॉरेस्ट के लिए गया। इस पाइन फॉरेस्ट में राज मूवी की शूटिंग हुई थी। आप जब प्याकरा जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है पाइन फॉरेस्ट, और ये आसपास पूरे लंबे लंबे आपको पेड़ दिखेंगे। यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपीज का है, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। काफ़ी पॉपुलर प्लेस भी है ये। पीछे यहाँ पे रिवर भी जा रही है, लेक है, आई थिंक देखता हूँ वहाँ जाके। यहीं से कुछ दूरी पर ही था वेनलॉक व्यू पॉइंट। सीन आप देख रहे होंगे वाकई में बहुत ही गजब का है। यहाँ से ये प्लेस मुझे ऊटी की सबसे प्यारी प्लेस लगी। यहाँ पर 90s की कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई थी, और सच में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। यहीं पास में ही प्याकरा बोट हाउस और वाटरफॉल भी था, और हर जगह सब कुछ नया नया सा लग रहा था। ऊटी में चॉकलेट काफी पॉपुलर है, और यहाँ लोग किलो के भाव में चॉकलेट ले जाते हैं। और यहीं पर मैं चॉकलेट और ऑयल फैक्ट्री भी गया। मैं हूँ इस टाइम कॉफ़ी फैक्ट्री में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी का कैसे प्रोड्यूस होता है, और जो भी इसके प्रोसेस होते हैं ओवरऑल वो दिखाया है इसमें। और बहुत तरह की यहाँ पे अलग अलग मशीनरी है, ये है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप आके देखेंगे तो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और अलग चीज़ें हैं, मतलब जो आप टूर में देखते हैं नेचुरल प्लेसेस से अलग हट के थोड़ी ये चीज़ें देख सकते हैं। चॉकलेट फैक्ट्री के बाद मैं कुन्नूर की कुछ प्लेसेस पर गया। कुन्नूर में मैंने कई सारे व्यू पॉइंट्स देखे, जैसे लैम्स रॉक, डॉल्फिन, स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट्स। लैम्स रॉक से आप व्यू देख रहे होंगे, कितना गजब का नजारा है। बादल आपके नीचे हैं और आप ऊपर हैं। पर जो सबसे अच्छा लगा वो था यहाँ का टी गार्डन, जो लग रहा था बादलों के बीच ठहरे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे बैक साइड में ये पूरा कुन्नूर का टी गार्डन है, और मैंने चॉकलेट टी भी ली है। 160 रुपीज की हाफ केजी मिली है। चॉकलेट टी तो मैंने टेस्ट की थी, अच्छी है, तो मैंने कहा देखता हूँ घर जाके कैसी बनती है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही औसम है, और धुंध आसपास में दिख रही है, और उसमें टी गार्डन है। आप फोटोज़ वगैरह यहाँ पे बहुत सारी क्लिक करवा सकते हैं। बहुत ही आपके लिए यहाँ मेमोरेबल मोमेंट होगा। आप टी गार्डन में यहाँ पे रहेंगे, देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, घूमें, एंजॉय करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। कुन्नूर से वापस आकर मैं यहाँ के फेमस चर्च गया, और मार्केट से कुछ शॉपिंग की। ऊटी में मैं खुद को प्रकृति के बेहद करीब देख रहा था, और इसी वजह से ये जगह भी मेरी लाइफ की एक यादगार ट्रिप बन गई। मरने से पहले एक बार खुलकर जी लेना, इसे ही तो कहते हैं जिंदगी से इश्क कर लेना।